डालते हैं, पिंक शैंपेन। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो है मैं काट रही हूँ तरबूज और इसका बनाऊंगी मैं शरबत। तो फ्रेंड्स क्या है ना कि गर्मियों के सीज़न में ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी आती हैं और इनका सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है वेट लॉस के लिए भी। तो फ्रेंड्स आजकल तरबूज थोड़ा मीठा नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें चीनी डाला है। और ये तीनों लोगों के लिए है, हस्बैंड और दोनों बच्चों के लिए बनाई हूँ, अपने लिए मैं विदाउट चीनी का ही बनाऊँगी। फ्रेंड्स वेट लॉस में ना चीनी एकदम से बंद कर दीजिए, कितनी भी आप हेल्दी हैं आलू चीनी ये सब चीज़ें ना आप अगर बंद कर देते हैं ना तो आपका वेट कम होना ही होना है। और फ्रेंड्स 32 बार में क्या है कि आप चावल भी खा सकते हैं। चीनी आप बहुत कम करिए, चीनी की जगह पे फ्रेंड्स गुड़ लीजिए। फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखा करिए तभी समझ में आएगा आप लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं लेके आई अपना और ये लोग अपना फिनिश भी कर दिए इतना जल्दी। और ये देवा का है और ये मेरा, देवा जो है नहीं पी रहा, उसी के चक्कर में मैंने चीनी डाला फ्रेंड्स। और यहाँ पे बहुत मीठा है यार, मतलब पता नहीं कैसे चीनी डाल के पिए ये लोग, पता नहीं कैसे चीनी बहुत मीठा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और ये पेट वेट के ठंडा करेगा। और फ्रेंड्स संडे है, आओ इधर बताओ, आओ तो मेरे पास तो बताओ, आओ तो। और देखिए यहाँ पे देवा नहीं पी रहा है, देवा वहाँ छुपा हुआ है। और देव को जो है स्ट्रॉ वगैरह लगा के दिया गया है, देख सकते हैं एकदम से, फिर भी नहीं पी रहा है इतना अच्छा लगा के। और ऐसे मैं पी लू क्या? हाँ। नहीं आप में चीनी है ना बेटा, मैं नहीं पीऊंगी, शुगर है। बता है क्या? हाँ बताओ, ठीक से बोलो, बताओ। बता है क्या? नहीं। और ये रो रहा है कि मैं नहीं पीऊंगा, है देवा? आप रो रहे हो ना कि मैं नहीं पीऊंगा। और फ्रेंड्स ये ना पेट को बहुत ही ठंडा करता है और वेट लॉस के लिए भी बहुत ही अच्छा है ये। वो मतलब भूख लगी है तो आप तरबूज वगैरह खा सकते हैं, पेट भी भर जाएगा और पानी की भी पूर्ति करता है ये, तो इससे वेट बहुत ज़्यादा लॉस मतलब कम हो सकता है। ये एक अच्छा उपाय है और पूरी गर्मियों में ये मिलता है और सस्ता का सस्ता है, मतलब सस्ते से आप वेट लॉस कम कर सकते हैं, तो इस वजह से मैंने ये कहा। और फ्रेंड्स आज जो है ना अभी मैं सब्जी लेके आई हूँ ढेर सारा, यहीं पे आ गया था तो मैंने ले लिया था, मैंने कहा चलो सब्जी आज रख लेते हैं। तो अभी जाऊँगी किचन में, सारी सब्जियों को रखेंगे और उसके बाद बनेगी आज खिचड़ी, क्योंकि हफ्ते में एक दिन ना हल्का खाना भी खाना ज़रूरी है और खिचड़ी बहुत हल्की होती है, तो मैं मूँग दाल और की खिचड़ी बनाऊंगी ताकि एकदम हल्की हल्की रहे। और बच्चों को खिचड़ी नहीं पसंद है तो बच्चों के लिए तो आलू और की भुजिया और पूड़ी बन जाएगी, लेकिन इनके लिए और मेरे लिए जो है बनेगी खिचड़ी। इनको भी मैं आज हल्का ही खाना खिलाऊंगी, कहें मेरे पति को बना दो दाल चावल रोटी सब्जी तो खा लेते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने कहा आज हल्का खाना बनेगा और हम लोग हल्का खाना खाएंगे। और फ्रेंड्स इधर जो है आप देख सकते हैं, मैं अपने पति को बोल बोल के परेशान हूँ, चलिए कपड़े सिलवा लेते हैं, कपड़े सिलवा लेते हैं, सुनने का नाम नहीं लेते। और कब से ये ढेर सारे अभी कपड़े हैं, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, भिगो के आई हूँ क्योंकि कॉटन के कपड़े हैं ना, तो भिगो के और थोड़ी देर रख के फिर सुखा के ले जाते हैं ना, तो वो फिर बाद में ना छोटे नहीं होते कपड़े, नहीं तो कपड़े सिलने के बाद वो शर्ट वगैरह इनकी छोटी हो जाती है। कब से चिल्लाते चिल्लाते आज मैं बोली हूँ कि चलिए आपको ले चलती हूँ सिलवा देते हैं, तो देखते हैं आज जाते हैं कि नहीं। वैसे मैंने कपड़े भिगो दिया है और उनको जो है धूप में फैला दूंगी, सूख जाएगा थोड़ी देर में, उसके बाद जो है इनके लिए जाऊंगी। तो पहले खिचड़ी बनाऊंगी उसके बाद कोई और काम करूंगी फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ ढेर सारी सब्जियों को लेके, और सब्जियों भी वेट लॉस में खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरी सब्जियों का यूज करिए, लौकी हुआ, तोरी हुआ और घिया हुआ, कद्दू हुआ, ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स। तो इस वजह से ना सब्जी ज़्यादा खाना है वेट लॉस की जर्नी में आप लोगों को, खाना थोड़ा कम खाना है। और आप जो है खाने को जब चबा चबा के खाएंगे तो थोड़े खाने में आपका पेट भर जाएगा फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर सब्जियों को रख दिया, अब धो के उसको फ्रिज में रख दूँगी। और इधर साथ साथ में चढ़ा दिया था खिचड़ी और आलू की सब्जी, तो दोनों बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स। और इधर मैं सैलेड काट ले रही हूँ, तो खीरा और टमाटर ले लिया है। और उसके बाद यहाँ चुकंदर लिया है, चुकंदर को क्या है फ्रेंड्स कि मेरे दांतों में ना थोड़ा टाइट सा लगता है, तो मैं इसको घिस के और इसमें नमक और नींबू डाल लूँगी और बहुत टेस्टी ऐसे भी लगता है। ऐसे तो आटे में गूँथ में के भी बनाती हूँ और ऐसे फिर ऐसे खाने में ना एकदम से अच्छा लगता है। और चुकंदर से आपका खून वगैरह बहुत ज़्यादा इसमें
बनता है, तो इस वजह से ये तो खाना ही चाहिए। और दो तीन बार आप शुरू शुरू में जब खाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, धीरे धीरे जब खाने लगेंगे ना तो अच्छा लगने लगेगा। और यहाँ पे मैंने कच्चा आम लिया था, तो देखिए उसकी भी चटनी बनाई है, पुदीना धनिया पत्ता कच्चे आम की यहाँ पर चटनी बनाई है। आजकल गर्मियों में ये सब चीज़ें ना खानी चाहिए, ये सब चीज़ें खाना बहुत फ़ायदेमंद है। और ये सब चीज़ें आपका घर का है तो नुकसान भी नहीं देगा और अच्छा भी लगता है, तो इस वजह से। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत दोनों चटनी बन गई, इधर खाना भी बन गया मेरा। और मैं अभी बना रही हूँ आम की जो है लौजी, जो खट्टी मीठी चटनी होती है वो बना रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों से रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो आम को कट कर लिया और यहाँ पे थोड़ा कढ़ाई में रिफाइंड डाला, उसके बाद लिया मंगरेल, अजवाइन, सौंफ, जीरा, लाल मिर्च और तेज पत्ता है। इसका इसमें तड़का देने पे ना बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी आता है। और इसी बहाने बच्चे भी ये सब चीज़ें ना खा लेते हैं जो है, और ये सारी ही चीज़ें जो है वेट लॉस के लिए अच्छा है। तो इसको मैंने इसमें डाल दिया फ्रेंड्स, और उसके बाद डाल दिया इसमें कच्चा आम अपने शेप के हिसाब से काट के, और पूरा एक चम्मच डाला लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद डाला इसमें थोड़ा सा नमक, क्योंकि ये खट्टा मीठा नमकीन बनता है चटनी, तो इस वजह से। तो यहाँ पर नमक थोड़ा सा चलाऊंगी, उसके बाद डाल दूंगी पानी, और पानी डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी गुड़। और गुड़ के जैसे कि कई फ़ायदे हैं, कई बार बताई हूँ कि गुड़ में कई सारे फ़ायदे होते हैं, तो इस वजह से मैं हर चीज़ों में आजकल गुड़ ही यूज कर रही हूँ। इसमें चीनी का भी बनता है लेकिन मैंने गुड़ का ही बनाया है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जब तक गुड़ गलेगा ना, गुड़ थोड़ा सा टाइट था तो मैंने फोड़ के नहीं डाला, तब तक मैं इधर दूसरा काम कर लेती हूँ। खिचड़ी में मैंने लगा दिया तड़का, और उसके बाद जो है इधर पापड़ तलना था तो साथ में पापड़ भी तल लूँगी फटाफट। और इधर तब तक चटनी, जब तक गुड़ गलेगा मेरा आम भी साथ साथ में गल जाएगा। तो इधर बच्चों के लिए बना लेते हैं पूड़ी, क्योंकि बच्चे तो खिचड़ी खाने से रहे, तो उनके लिए आलू की सब्ज़ी बनाई हूँ, और साथ साथ में इधर बना लेती हूँ उन लोगों के लिए पूड़ी। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पापड़, और पापड़ ना चिमटे से तलो ना तो तेल वगैरह नहीं निकलता है, तो वही चिमटे से मैं तल के एकदम से जल्दी जल्दी निकाल ली पापड़। खिचड़ी है तो चटनी अचार ये सब चीज़ें हस्बैंड जी को चाहिए ही चाहिए। अब मैं पापड़ वगैरह नहीं खाऊंगी फ्रेंड्स, वेट लॉस की जर्नी में ऑयल वगैरह नहीं खाते हैं, इस वजह से मैं नहीं खाऊंगी। और यहाँ पे देखिए साथ में मेरी चटनी भी बन गई, मैंने दिखा दिया। और ये रहा मेरा खाना, थोड़ी सी आलू की भुजिया, थोड़ी सी हरी चटनी, और यहाँ पे लिया चुकंदर, और ये लिया है एक गिलास छाछ। छाछ और दही जरूर खाइए वेट लॉस में, गर्मी के सीजन में, पूरे सीजन में आप छाछ और ये सब खा सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स एक अहम बात, ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप अपनी लाइफ में रूटीन में शामिल करेंगे तो आपका वेट कम ही हो जाएगा। खाने के बाद कुछ ऐसा काम रखिए फ्रेंड जो कि आप बैठ के और चल के कर सकें, ताकि खाना खाने के बाद आप तुरंत बेड पर ना जाइए। तो यहाँ पर देखिए ये कपड़े थे ना, तो कपड़े को भिगो के मैंने छोड़ दिया था कि चलो खाना खाने के बाद ये सब काम मैं कर लूँगी। आधा पौन घंटा ऐसे निकल जाता है, और इससे क्या होता है खाना हमारा पच जाता है अच्छे से, तो इस वजह से जो है हमें वेट हमारा फैट नहीं होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोगों का तो वेट काफ़ी कम हो गया है फ्रेंड्स इसी वजह से, इसलिए आप लोगों को भी कहते हैं कि ये चीज़ें करिए और आपका भी वेट कम हो जाएगा। देखिए अब मेरा सीजेरियन पेट का थोड़ा सा है समस्या, दो दो बच्चे सीजेरियन हुए हैं फ्रेंड्स, इस वजह से थोड़ा पेट है, लेकिन मैं पेट पे भी लगी हूँ। और लगने से क्या नहीं होता है, जब मन रहेगा तो ज़रूर कम हो जाएगा, हिम्मत करेंगे तो यहाँ पे मैं उसको भी कम कर लूँगी धीरे धीरे फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए, जब तक सूखेंगे तब तक इधर के काम हो जाते हैं। चटनी वगैरह जो है मैं रख देती हूँ, सारे खाने वगैरह फ्रिज में निकाल के उसके बाद गैस क्लीन कर लूँगी। ये सब काम करते करते आधा पौन घंटा हो जाता है आराम से। तो मैं डेली कुछ ना कुछ ऐसा छोटा मोटा काम रख लेती हूँ जो कि मुझे खाना खाने के बाद करना होता है, उसके बाद ही मैं रेस्ट करती हूँ, एकदम से बेड पर जाती नहीं हूँ। और यही रीज़न है मोटापे का सबसे बड़ा कारण है कि खाना खाने के बाद हम सो जाते हैं या बैठ जाते हैं या कुछ काम नहीं करते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं फ्रेंड। इस वजह से अगर कुछ काम ना रहे तो आप टहल भी सकते हैं। और देखिए अभी हो गया है एक घंटा, और एक घंटे के बाद जो है मैं यहाँ पे अब आई हूँ ग्रीन टी बनाने। तो ग्रीन टी ये रहते हैं घर पे ना, तो ये भी पीते हैं साथ साथ में। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन टी मैं ना पैकेट वाला ही पीती हूँ, मतलब वो भी पीती हूँ लेकिन ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं पैकेट वाला ही ये वाला ले आती हूँ जो डिप वाला होता है ना, और ये भी बहुत अच्छा है ये वाला ग्रीन टी। तो गर्म पानी हो गया है और अब चल रहे हैं ग्रीन टी पीने के लिए। और खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, डिनर करने के बाद ग्रीन टी पीना पीना ही है एकदम से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रीन टी ले आई मैं, देखिए। और इसको मैं ना ग्रीन टी का पीने का ये मतलब होता है कि इसको मैं भिगो के अभी रखूँगी इसमें, दो तीन मिनट तो इसको ऐसे ही छोड़ूंगी ताकि इसका पूरा कलर जो है इसमें अच्छे से आ जाए।
तब इसको निकालूंगी। और ग्रीन टी कोई भी पी सकते हैं, अगर पत्ते वाला हो तो आपको बॉईल नहीं करना है, पानी तेज गर्म करके उसमें पत्ते वाला डालिए, उसको ढक दीजिए 5 मिनट के लिए, फिर उसको छान के पीजिए। पत्ते वाले में ये है जो पत्ते वाली ग्रीन टी आती है। और आप ग्रीन टी कोई भी ले सकते हो, 32 बार वाला भी ले सकते हो, नॉर्मल भी ग्रीन टी ले सकते हो, कोई भी ग्रीन टी फायदा ही करता है, ऐसा नहीं कि नुकसान करता है, बस अच्छी कंपनी का होना चाहिए। तो यहाँ पे ये अच्छी ही कंपनी का ग्रीन टी है और मुझे टी बैग वाला ना अच्छा लगता है और इसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया है। और उसके बाद पानी भी नहीं पिया था, खाना खाने के तुरंत बाद फ्रेंड्स पानी भी नहीं पीते हैं, तो मैं हल्का सा गर्म, एकदम हल्का गर्म पानी भी लेके आई हूँ अपने लिए, तो इसको भी पीऊंगी पानी पीने के बाद जो है ग्रीन टी पीऊंगी फ्रेंड, क्योंकि खाना खाने के जस्ट बाद ना पानी भी नहीं पीना चाहिए। और फ्रेंड्स आप लोगों को लगता है कि चावल नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, आप चावल भी खा सकते हो 32 बार के फॉलो करने में, आप चावल आराम से खाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको टाइम का ध्यान देना, आपको 35-30 मिनट खाना ही खाना है, 40 मिनट कैसे भी करके छोटा छोटा खाइए चावल को भी, ऐसे नहीं कि चावल है तो जल्दी, चावल बहुत देर तक तो नहीं चबा सकते, लेकिन हाँ जितना चबा सकते हो आप चबाओ। इसका बस यही है कि आप लिक्विड करके खाओगे तो आपका वेट लॉस कम होगा और कम खाने में आपका पेट भर जाएगा, ये है, इसी वजह से बोलते हैं कि 32 बार चबाइए चबाइए, 32 बार का है और कोई इसमें खास बात नहीं है, बस फ्रेंड्स इसी वजह से, और हम लोग भी इसीलिए वेट अपना कम किए हैं ताकि जो है चबा चबा के खाइए, बस टाइम दीजिए और वही चीज़ है मेन, और आप सब चीज़ खा सकते हो। आप तब थोड़ा सा चावल खाओगे ना फ्रेंड्स, चबाने की वजह से पेट भर जाता है, शुरू में आपको दिक्कत होगी, सबको हुआ, हमें भी हुआ और भी लोगों को हुआ है, और जो बंगाल की औरतें हैं फ्रेंड्स उन्होंने भी वेट कम किया है, आप जो सर हैं उनकी वीडियो देखेंगे तो उसमें कई सारी बंगाल की औरतें हैं और बंगाल में चावल ही बनता है, जैसे कि वो लोग चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं फ्रेंड्स, तो इस वजह से वो लोग चावल ही खा के अपना वेट कम किए हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा खाइए, बहुत ज़्यादा मत खाइए, बस ये चीज़ है, और धीरे धीरे खाइए, चावल को भी धीरे धीरे खाइए, और जो है रोटी तो खैर खाना ही है, और एकदम छोटे छोटे लेके उसको भी चम्मच से खाइए, आप छोटा वाला चम्मच ले लीजिए उससे उठाइए ताकि वो ज़्यादा ना उठे, ज़्यादा ना जाए आपके मुँह में, तो ऐसे करके आप अपना वेट लॉस फ्रेंड्स कम कर सकते हैं। और मेरा हो गया 1 घंटे का टाइम और आप लोगों से बातें करते करते मेरी ग्रीन टी भी इधर तैयार हो गई है, मैं अपनी ग्रीन टी को अच्छे से पी लेती हूँ, और कांच के गिलास में ना देखने में भी अच्छा लगता है और पीने में तो अच्छा लगता ही है, तो इसलिए मैं कांच का गिलास ली हूँ, मुझे अच्छा लगता है फ्रेंड्स इस वजह से, कांच के गिलास में ना चाय भी पियो ना तो अच्छा लगता है, गर्मियों के दिनों में ना मुँह नहीं जलता है ना, अच्छा उससे पी लेता आदमी, तो इस वजह से। और यहाँ पे अभी हम पी लेते हैं और इनको भी मैंने दिया है ग्रीन टी पीने के लिए, तो ये भी पी रहे हैं, ये उधर हैं, मैं इधर आ गई हूँ फ्रेंड्स, तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं फिर आगे वीडियो में।